नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे ब्रेड ड्रम्स। यूं तो ब्रेड ड्रम्स इजी है कि ब्रेड को थोड़ा सा तोड़ो, ग्राइंड करो, ब्रेड ड्रम्स बन जाते हैं। लेकिन ये ब्रेड ड्रम्स जो होते हैं, ये जो हम होममेड घर में बनाते हैं, लेकिन ये ब्रेड ड्रम्स जो ब्रेड का चूरा होता है जो मार्केट में मिलता है, तो ये ब्रेड का चूरा बहुत अच्छा होता है। किसी भी स्नैक्स पर हम जब कोटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका लुक आता है। तो ये ब्रेड ड्रम्स कैसे बनाएं, आज हम बनाएंगे इस मसाले के चिप। यहाँ ले रही हूँ मैं फ्रेश ब्रेड, लेकिन आपके पास कोई रखी हुई ब्रेड हो, एक दो दिन हो गए हो, ड्राई हो गई हो, या ब्रेड के एजेस जो हमें यूज़ नहीं होते, सैंडविच के लिए हम ब्रेड यूज़ करते हैं, एजेस हम हटा देते हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्रेड को आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। और इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स हमने बना लिए हैं। इसी को ही हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं। लेकिन ये अगर आप फ्रिज में भी रखेंगे, थोड़े दिनों बाद इसमें एक स्मेल सी आने लगेगी या फंगस लग जाएगी, और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेड के ऊपर एक लिखा रहता है कि 3 to 4 days उसे यूज़ करना चाहिए। तो हम इसकी जो ग्रम्स बना रहे हैं उसे हम ज़्यादा दिन तक यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो उसे हम सही तरीके से ऐसा बनाएं कि आप एक महीना भी रख दें फ्रिज में या बाहर, तो ख़राब ना हो। तो अब इसके लिए दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास इस तरीके से पैन में करना है, तो इस तरीके से आप इसे मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास माइक्रोवेव या OTG है तो उस ट्रे में आप इस तरीके से इसे रोस्ट कर लीजिए। इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, और जो है कढ़ाई में थोड़ी सी देर ज़्यादा लगेगी, कोई बात नहीं है। जैसा भी है, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आपको। इसे हम थोड़ा बेक कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। 180 डिग्री पर मैंने रख दिया है इसे रोस्ट होने के लिए। 4 से 5 मिनट में वो गोल्डन कलर का हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। और बाकी जो थोड़ा सा पार्ट है, मैं इधर कढ़ाई में भी कर रही हूँ। कढ़ाई में डालकर आप कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते रहिए। ये देखिए, 3 से 4 मिनट में ये ब्रेड काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया है। इसे हम ठंडा करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने OTG में भी रखा है उसे, तो ये भी करीब 8 मिनट लगे मुझे इस तरीके से रोस्ट होने में ब्रेड को। ये देखिए, अब ये ब्रेड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप चाहे कितने दिन भी रख दें। इसे आप अच्छे से ठंडा कीजिए। ये देखिए, दोनों का कलर सेम है, दोनों को ही ठंडा कर देते हैं। अब ये सारे ब्रेड को हम ग्राइंड कर लेंगे एक बार और। ये देखिए, अब मार्केट जैसा ब्रेड ड्रम्स बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से सेफ है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना इसमें कोई फंगस आएगी, ना ये कोई गीला गीला सा लगेगा। आप काफ़ी दिन तक इसे फ्रिज में रखकर इसका काम किसी भी स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। और जो है कोटिंग के टाइम, ख़ास तौर से जब हम कोटिंग करते हैं किसी भी स्नैक्स की, तब हमें इस तरीके का ही ब्रेड क्रम्स चाहिए होता है। वो जो होता है, जो ब्रेड को हम ग्राइंड करते हैं, उसे हम बाइंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अंदर हमें बाइंडिंग में डालना है तब चलेगा, लेकिन जब बाहर की कोटिंग, कटलेट या कबाब या कुछ भी ऐसा स्नैक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें इस टाइप का मार्केट जैसा ब्रेड क्रम्स चाहिए होता है। तो ये ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हुए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।